सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर सेकंड। उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ये कोई एपी है, इसमें क्या दे रखा है, कोई एपी के पार्ट दे रखे हैं और हमको क्या करना है, कुछ पार्ट्स फाइंड करने। जैसे हमको फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी है, कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा है और nth टर्म गिवन दे रखी है। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं और उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो चीज़ हमको गिवन दे रखी है उसको हम गिवन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी है और कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा है। हमको क्या गिवन दे रखा है, एक तो फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी है, फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी है और कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा है और nth टर्म गिवन दे रखी है। तो कितनी कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म हमको 5 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस 3 और nth टर्म हमको 50 दे रखा है। तो nth टर्म हमको 50 दे रखा है और फर्स्ट टर्म हमको 5, कॉमन डिफरेंस हमको 3 गिवन दे रखी है ना। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म, है ना। हमको फाइंड करना है nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है ना। तो हम हमारे पास nth टर्म गिवन है, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो nth टर्म क्या है हमारे पास, 50। तो nth टर्म की जगह हम 50 लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमारे पास, 5 है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है, इनटू में कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है हमारे पास, 3 गिवन है। तो यहाँ क्या आ गया, 45 इक्वल टू में 3n माइनस में 3। ये 45 कैसे आया, क्योंकि ये 5 जो है इक्वल टू के राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाके इसको 50 में से माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब 45 इक्वल टू 3n माइनस 3। अब ये माइनस 3 क्या है, इक्वल टू के राइट साइड में नेगेटिव का है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 48 इक्वल टू में 3n और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 अपॉन में 3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 सिक्स जा 8, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई नंबर ऑफ टर्म्स। अब इन 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सम फाइंड। अब हमको क्या करना है, 16 टर्म का सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिख देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। तो यही होता है। अब n की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 16 अपॉन 2। 2a कितना गिवन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है, 5, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारा, 16 माइनस 1 इंटू में d क्या है हमारे पास, d हमारे पास 3 है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ 5 2 10 प्लस में 15 3 45, 15 3 45, 16 में से एक गए 15 बचा और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15 3 45। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 इंटू में 55। तो 8 को 55 से करेंगे तो 8 5 40 का 0 हासिल लगा, 4 8 5 40 और 4 44, ये क्या आ गए हमारे पास सम ऑफ 16th टर्म। पहले हमको क्या गिवन दे रखा था इसको क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी थी, कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा था और nth टर्म गिवन दे रखी थी। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म्स और जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स आई थी उनका सम फाइंड करना था। तो हमने क्या करा, पहले हमने nth टर्म का फॉर्मूला, जब हमको nth टर्म गिवन थी तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ली। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके हमने उन नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड कर दिया, तो कितना आया सम, 440। तो यही फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, अभी इसको कर देते हैं हम यहाँ से क्लियर और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा था, फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी है, 13th टर्म गिवन दे रखी है और हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13th टर्म। तो फर्स्ट टर्म और 13th टर्म हमको गिवन दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म हमको कितनी दे रखी है, 7 और 13th टर्म हमको दे रखी है 35। हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13th टर्म, यही फाइंड करना है हमको। फर्स्ट टर्म हमको 7 और 13th टर्म हमको 35। तो हम क्या कर सकते हैं, 13th टर्म को आसानी से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 13th टर्म कैसे लिखते हैं हम,
प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। थर्टी इंट थ्री हमारे पास क्या गिवन है, 35 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 7 प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 13 माइनस वन इंटू में डी क्या है हमारे पास डी। तो हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 आ जाएगा। जब ये 7 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, 35 में 7 जाएंगे तो 28, और ये क्या बच गया यहाँ पे 12 डी। अब डी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं यहाँ से कितनी आ जाएगी 28 अपॉन में 12, तो 4 3 12 4 7 28 ये कितनी आ गई डी की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस एक चीज़ तो फाइंड हो गई यहाँ से कॉमन डिफरेंस। अब हमको क्या करना है सम ऑफ 13th टर्म, तो सम ऑफ 13th टर्म का फॉर्मूला याद आ देता है यहाँ पे क्या होता है एन अपॉन में टू 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पे क्या होगा n, अब Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास ये तो 13th है, इसका सम फाइंड करना है हमको 13 अपॉन में 2 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 13 माइनस वन इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 7 अपॉन में 3। अब क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करते हैं, 13 अपॉन में 2 7 2 14 प्लस में 13 में से एक गए तो 12 बचेगा इंटू में 7 अपॉन में 3, तो 3 1 3 3 4 12, तो यहाँ क्या बचेगा 13 अपॉन 2 14 प्लस में 28, तो यहाँ बच गया 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 3 4, 2 1 कम 2 2 2 4 2 1 कम 2 13 इंटू में 21। 13 इंटू में 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 1 कम 13 का 3 हासिल लगा 1 13 2 26 और 1 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा 273। तो सम ऑफ 13th टर्म कितना आ गया 273। यही चीज़ फाइंड करनी थी उनको, सम ऑफ 13th टर्म फाइंड करना था। सबसे पहले हमको क्या गिवन देखा था, फर्स्ट टर्म गिवन दे रखी थी, 13th टर्म गिवन दे रखी थी, और हमसे क्या पूछा था कि कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13th टर्म हमको फाइंड करना था। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा सम ऑफ 13th टर्म यहाँ पे फाइंड करते, सम ऑफ 13th टर्म कितना आया 273। तो पार्ट नंबर सेकेंड में भी कुछ नहीं था, बिल्कुल ईजी सा था, हमने कर देते हम इसको यहाँ से इरेज। अब चलते हम थर्ड पार्ट पे, तो थर्ड पार्ट में हमको क्या गिवन दे रखा है 12th टर्म गिवन दे रखी है, कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा है, और हमको क्या पूछा है फर्स्ट टर्म पूछी है हमसे और सम ऑफ 12th टर्म पूछी है। तो 12th टर्म हमको यहाँ पे 37 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमको 3 दे रखा है, तो सम ऑफ, तो 12th टर्म हमको क्या दे रखी है 37, और कॉमन डिफरेंस हमको कितना दे रखा था, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमको 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हमको यहाँ पे 3 दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है फर्स्ट टर्म पूछी है और हमसे सम ऑफ 12th टर्म, फर्स्ट टर्म पूछी है और हमसे सम ऑफ 12th टर्म यहाँ पे पूछा है। तो हम क्या कर सकते हैं 12th टर्म यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस 12th टर्म के इस्तेमाल से हम देखते हैं क्या निकाल सकते हैं, a प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाई में d। तो 12th टर्म हमको गिवन दे रखी है 37, फर्स्ट टर्म हमारे को निकालनी है प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 7 है, 37 इक्वल टू में a प्लस में 11 इंटू में 7, तो यहाँ पे 37 इक्वल टू में a प्लस में 11 7 कितना होता है 77। अब ये क्या आएगा 37 माइनस 77 इक्वल टू में a, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7 में 7 गए 0, 7 में 3 गए तो 4 माइनस का 40, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस का 40, ए की वैल्यू यहाँ पे हमने माइनस का 40 निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है माइनस का 40 आएगा डी जो है यहाँ पे 12 11 1 11 3 11 77 77, उसके बाद 37, तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास ए 12 ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हो रही इसमें, ए ट्वेल्व की वैल्यू हमारे पास क्या है 37, तो ए 12 की वैल्यू 37 ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ए की वैल्यू हमको वहाँ से फाइंड करनी है प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना 12 था, तो 12 माइनस वन इंटू में 7, तो यहाँ क्या आ गया 37 इक्वल टू में ए प्लस में 12 में से एक गए तो 11 इंटू में 7 11 7 77, उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस 40, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस 40 आ चुकी है,
उसके बाद अब हमको क्या करना है, उसके बाद अब हमको फाइंड करना है कि सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ 12 टर्म, तो सम ऑफ 12 टर्म क्या आ जाएगा, सम ऑफ 12 टर्म फाइंड करना है। तो एन अपॉन में टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो सम ऑफ 12 टर्म हमको फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, 12 अपॉन में 2। टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू तो हमारे पास 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख देते हैं। प्लस में एन माइनस वन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, 12 माइनस 1, इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 7 का। तो 2 6 12, 40 2 80 प्लस में कितना आएगा, 11 7 77, तो 6। तो 77 को जब 80 80 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 77 और 80, तो 8 7 56 का 6 हासिल लगा, 5 8 36 56, 56 60 और 61, यहाँ जाएगा 6 1 6 0, 6 0 0 36 का 6 कैरी लगा, 3 6 कम 6 3, 6 कम 6 3 9 और 6 6 36। ये क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ 12 टर्म हमारे पास क्या आ चुकी है, सम ऑफ 12 टर्म हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमारे पास। शायद इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जो कॉमन डिफरेंस हमको कितना गिवन दे रखा था इस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस हमको 3 गिवन दे रखा था, कॉमन डिफरेंस हमको 3 गिवन दे रखा था यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में यही दिक्कत हो रही थी कि कॉमन डिफरेंस जो हमको दे रखा था वो 3 दे रखा था, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, 7 फाइंड कर लिया है, बिल्कुल। तो एक बार इसको दोबारा से कर लेते, तो 12th टर्म हमारे पास 37 है, इक्वल टू में फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करनी है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, 3 गिवन है। उसके बाद 37 इक्वल टू में ए प्लस में 11 इंटू में 33, तो 37 इक्वल टू में ए प्लस में 33, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं आसानी से सम ऑफ 12 टर्म। तो सम ऑफ 12 टर्म के लिए एन अपॉन टू, एन क्या है हमारे पास, 12 अपॉन 2, एन अपॉन टू, टू ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, 2a प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, 12 माइनस 1, इंटू में कॉमन डिफरेंस क्या था हमारे पास, 3 का कॉमन डिफरेंस था। उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे, 2 6 12, तो 4 2 8 प्लस में 11 इंटू में 3, तो 6 और 8 11 13 33, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू में 41, तो 6 कम 6 6 चौक 24। तो यहाँ पे सम ऑफ 12th टर्म कितना आएगा, 246। सम ऑफ 12th टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे, 246। हमने क्या कर लिया था गलती से, यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस को 7 मान लिया था, तो 7 के वजह से, इस वजह से हमारा क्या हुआ था यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म थी वो भी गलत आ गई थी, उसके बाद हमारा जो सम था वो तो ऑटोमेटिकली गलत आना ही था। तो हमने क्या गलत, यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर, 7 गिवन था, कॉमन डिफरेंस हमको यहाँ पे 3 दे रखा था और हमने क्या कर लिया था, 7 मान लिया था। तो चलते अब फोर्थ क्वेश्चन पे, तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, इसको कर देते हैं हम यहाँ से इरेज और चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में क्या गिवन दे रखा है, 3rd टर्म गिवन दे रखी है हमको और सम ऑफ 10th टर्म गिवन दे रखा है। तो 3rd टर्म और सम ऑफ 10th टर्म, 3rd टर्म हमको गिवन दे रखी है यहाँ पे और सम ऑफ 10th टर्म गिवन दे रखा है हमको। 3rd टर्म क्या गिवन दे रखी है हमको, 15 और सम ऑफ 10th टर्म 125। तो यहाँ पे 15 और 125, और हमको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 10th टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म यहाँ पे हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम इससे क्या चीज़ निकाल पाते हैं। तो 3rd टर्म गिवन है हमारे पास, 3rd टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो 3rd टर्म हमारे पास 15 है इक्वल टू में, फर्स्ट टर्म नहीं है हमारे पास, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, 3 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 15 इक्वल टू में ए प्लस में 2d, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो सम ऑफ 10th टर्म हमारे पास क्या है, 125 इक्वल टू में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास, 10 अपॉन में 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी कुछ भी नहीं है हमारे पास गिवन, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 5 10 से कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 2a प्लस में 9 9d,
तो इक्वल टू में 125। तो ये 5 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, या इसको मल्टीप्लाई भी छोड़ सकते हैं, या इसको क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इक्वल टू में 2a प्लस में 9d। तो 5 दूनी 10 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 2a प्लस में 9d। तो ये आ चुकी है हमारे पास, इसको हम क्या मान लेते हैं, अपनी सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि कोई चीज़ कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके पास क्या है, 15 इक्वल टू ए प्लस 2d। इसके पास क्या है, 25 इक्वल टू में 2a प्लस में 9d। अगर मैं क्या करूँ, इस वाली टर्म को, जो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है मान लो हमारे पास, इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30 इक्वल टू में 2a प्लस में 4d। तो उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इस 2a से जब मैं इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a कैंसिल हो सकता है, है ना। तो करके देख लेते हैं हम एक बारी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30 इक्वल टू में 2a प्लस में 4d। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4d हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब क्या आ जाएगा, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करके देखूँ, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड क्या है मेरे पास, 25 इक्वल टू में 2a प्लस में 9d, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 30 इक्वल टू में 2a प्लस में 4d। करके देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसिल, माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 इक्वल टू में, यहाँ क्या बच जाएगा, 5d बच जाएगा। उसके बाद d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -1। कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ चुका है -1। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, एक चीज़ तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस मेरे पास -1। अब मेरे को क्या करना है, टेंथ टर्म फाइंड करनी है। तो टेंथ टर्म फाइंड कैसे कर सकते हैं, वही अपना जनरल रूल लगा के, अगर मेरे को टेंथ टर्म फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, a प्लस में 9d। अभी मेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, लेकिन कॉमन डिफरेंस है मेरे पास, और क्या है मेरे पास, 9 भी है, लेकिन अभी फर्स्ट टर्म नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉमन डिफरेंस को, जो मेरे पास d आया है, इसको मैं अगर किसी भी इक्वेशन, या तो मैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में किसी में भी पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ पुट। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो 25 इक्वल टू में 2a प्लस में 9 माइनस 1, तो 25 इक्वल टू में 2a माइनस में 9, और ये 25 और क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा इसमें 9, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 25 5 3 4 34 बच जाएगा यहाँ पे इक्वल टू में 2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 2 × 2 = 14। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 17 आ गई। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 17 आ चुकी है। अब क्या करते हैं हम, अब ए की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ए की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो 17 प्लस में 9, और डी क्या है मेरे पास, डी क्या है मेरे पास, -1। तो ये कितना आ जाएगा, 17 प्लस में -9, 17 माइनस 9 9 10 और 7 17, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। तो मेरे पास जो टेंथ टर्म आएगी मेरे पास, टेंथ टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, 8 आ जाएगी। टेंथ टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, 8 आ जाएगी। तो यही करना था हमको, पहले क्या करना था हमको यहाँ पे, पहले हमको फर्स्ट टर्म की, पहले हमको क्या करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, उसके बाद हमको टेंथ टर्म फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमको क्या करनी थी, यहाँ पे टेंथ टर्म फाइंड करनी थी। तो हमने टेंथ टर्म भी फाइंड करके बता दी कि जो हमारी टेंथ टर्म आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, -1 का। तो कॉमन डिफरेंस और टेंथ टर्म फाइंड करनी थी यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज। तो अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमको क्या गिवन दे रखा है, एक तो हमको कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा है, सम ऑफ नाइन्थ टर्म गिवन दे रखा है, और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है। हमको गिवन क्या क्या दे रखा है पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है कॉमन डिफरेंस, 5 गिवन दे रखा है,
और सम ऑफ नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है हमको, सम ऑफ नाइन्थ टर्म हमको 75 दे रखा है यहाँ पे, है ना 75। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट इसको जो सम ऑफ नाइन्थ टर्म है इससे क्या निकाल सकते हैं हम देख लेते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एन अपॉन में टू टू ए प्लस में एन माइनस वन इन टू में डी। तो सम एस एन क्या है हमारे पास, एस नाइन इक्वल टू में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमारे पास, नाइन अपॉन में टू टू, फर्स्ट टर्म हमको निकालनी है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमारे पास, नाइन माइनस वन इन टू में कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, फाइव। तो हम देख लेते हैं अभी क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 75 आ चुका है, ये नाइन अपॉन टू ये क्या हो गया, टू ए प्लस में आठ पंजे 40। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अब हम इसमें से क्या चीज़ गिवन ले सकते हैं या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस टू को क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 और 1 15 150 बन जाएगा। और ये 9 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 9 दिन 18 18 ए प्लस में 9 0 0 9 चौक 36। अब क्या होगा, ये 360 क्या होगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 18 ए, 0 में से 0 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा नेगेटिव का, इक्वल टू में 18 ए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 210 अपॉन में 18, तो 2 नीम 18, 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो 3 3 9 और 3 3 9 3 पंजे 15। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे मेरे पास, ए की वैल्यू आ चुकी है -35 अपॉन में 3। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, फर्स्ट टर्म तो हमने कर दी फाइंड, क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड करके, -35 अपॉन में 3। अब हमको क्या करना है, नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है। नाइन्थ टर्म फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ए प्लस में 8 डी। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, -35 अपॉन में 3 प्लस में 8, कॉमन डिफरेंस कितने का गिवन था मेरे पास, 5 का। तो -35 अपॉन में 3 प्लस में 8 पंजे 40, तो ये क्या आ गया, 3 -35 प्लस में 1 3 3 और 3 0 0 4 3 12। तो अब क्या आ गया, 0 में से, अब मैं जब 120 में से 35 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और 11 में से 3 जाएंगे तो 8, 85 अपॉन में 3। तो हमारे पास हमको क्या फाइंड करना था, हमको गिवन दे रखा था, कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा था और सम ऑफ नाइन्थ टर्म हमको गिवन दे रखा था। हमने क्या करा, सम ऑफ नाइन्थ टर्म से हमने उसमें क्या करा, उससे फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -35 अपॉन में 3। और जब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है हमारे पास, तो हम क्या नाइन्थ टर्म नहीं फाइंड कर सकते। नाइन्थ टर्म बड़ी आसानी से फाइंड कर दिया हमने, हमने क्या करा, जनरल फॉर्म्स वही ए प्लस में 8 डी। तो ए की जगह पे हमने -35 अपॉन 3 रख दिया, प्लस में 8 डी की जगह पे क्या था, 5 गिवन था। तो हमने क्या कर दिया, नाइन्थ टर्म भी फाइंड कर दी, नाइन्थ टर्म क्या आ गई, 85 अपॉन में 3। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड था एक्सरसाइज 5.2 का, ये होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे इसके जो और बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।